मेरा बिस्कुट सूखा ही रह जाएगा, अब इसे मैं किस में डूबा के खाऊंगा? पानी में डूबा। चाय वाले को फोन लगा, क्यों नहीं आया अभी तक? पूछ। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी नाउ। हेलो, आ गया। ये जल्दी आ जल्दी। चाय ये लीजिए साहब। अरे वाह, लाओ भाई चाय। अरे धीरे धीरे धीरे। थैंक यू। ये मैडम का। अरे मैडम लीजिए लीजिए। चलो मैडम। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, वो पैर फिसल गया था ना तो लग गई। अच्छा, तो पढ़ाई छोड़ के तुम चाय की टपरी पे नौकरी क्यों करते हो? मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ साहब, वो रघु सेठ है ना, मैं उसका छोटा भाई हूँ। भाई है? अच्छा, तुम उसके छोटे भाई हो? हाँ साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अच्छा चलता है साहब, पर्स ले लूंगा। क्या हुआ राजेश सर? नहीं, ये 10-12 साल का होगा, चाय की टपरी पे काम करता है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। आई नो, पर वो रघु का भाई है, कहा ना उसने? हाँ कहा उसने, लेकिन झूठ भी तो हो सकता है ना। आई नो, मतलब मैं समझा नहीं सर। चाइल्ड लेबर की केस हो सकती है। ये एक काम कीजिए मेरा। आई नो आई नो। अच्छा इनको पता ही है क्या क्या बताओ? अच्छा आप करो। नहीं नहीं, सर सर बताइए सर, क्या काम है? बताइए सर। के कोमल और चाइल्ड लेबर? नहीं नहीं, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। कोमल मेरी कजिन पूर्णिमा क्या नहीं है चाइल्ड लेबर के लिए। ज्योति भाभी, मेरी आशा से ऑलरेडी बात हो चुकी। इनफैक्ट अथर्व और विद्युत जब वो श्लोक के साथ खेलने के लिए गए थे, तब उन्होंने खुद कोमल को वहां बेबी सिटिंग करते हुए देखा था। पढ़ाई की इस छोटी उम्र में बेचारे कोमल के सर पर आया ये कितना बड़ा बल। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। थैंक यू। तो बताएंगी आप, क्या आप सचमुच में नहीं जानती थी कि कोमल आपकी कजन पूर्णिमा के यहाँ बेबी सिटिंग का काम करती है? आप दोनों मुझे गलत मत समझिए, मैंने कोमल को पूर्णिमा के यहाँ काम पर नहीं लगवाया। कोमल से पहले जो बेबी सिटर थी ना, उसको मैंने काम पे लगवाया था आशा के जरिए, लेकिन जब वो काम छोड़कर चली गई तो उसने अपनी जगह पर कोमल को रखवा लिया काम पर। और ये बात जब मुझे पता चली तो मैंने आशा से बात की इस बारे में, तो आशा ने अपनी कसम देकर मुझसे चुप रहने का वादा ले लिया, इसीलिए मैंने आप लोगों से ये बात छुपाई। पर ज्योति बहन, आपको अपनी कजन को समझाना चाहिए था कि इतनी छोटी लड़की को काम पर ना रखे। पूर्णिमा के बारे में मैं क्या कहूँ, उसे ना हर छोटे छोटे काम के लिए नौकर रखने की आदत है। उसका बड़ा बेटा श्लोक, वो भी ऐसे बेबी सिटिंग में रहकर ही बड़ा हुआ है। वो क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी तीसरे पन्ने की क्लब की हाई फाई पार्टी में जाती रहती है ना, तो बच्चों को संभालने के लिए उसे घर पे हमेशा कोई ना कोई चाहिए। और वो बहुत नकचड़ी भी है, तो अगर मैंने उसे इस मामले में समझाने की कोशिश भी की तो वो शायद मेरी बात सुनेगी नहीं। कमाल है, आपकी कजिन पूर्णिमा बात नहीं सुनेगी या आशा बात नहीं सुन रही है, अब हमें ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा उन तक अपनी बात पहुंचाने का। हाँ देख, मुझे पता है तूने हमारी सारी बातें सुन ली, सो प्लीज अपनी ये कोई सब मत बताना, प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है अथर्व दादा, मैं आई को नहीं बताऊंगी,
लेकिन मुझे आई के पास जल्दी जाना है। कोमल, हम तीनों का तुमसे वादा है कि तुम जल्दी ही अपने आई के पास वापस घर जाओगी, ओके? प्रॉमिस। रघु। ये साहब, अरे राजेश साहब, आप लोगों की चाय तो मैंने भिजवा दी, कोई कंप्लेन है क्या? कंप्लेन भी है और कड़क भी है। कड़क चाय नहीं, कड़क कंप्लेन। मुन्ना, इधर आओ, इधर आओ। अरे बेटा, साहब लोग को ठंडी चाय दिया क्या? साहब, मुन्ना ने कुछ गलती किया क्या? गलती नहीं की है, गुनाह किया है। गुनाह? लेकिन मुन्ना ने नहीं, तुमने। आप क्या बोल रहे हैं साहब? रघु, तुमने लोगों को झूठ बोला है कि मुन्ना तुम्हारा छोटा भाई है। वो तुम्हारा छोटा भाई नहीं है। तुम मुन्ना से जबरदस्ती तुम्हारी टपरी पर बाल मजदूरी करवाते हो। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है साहब। मारफतिया जी। यस सर। इसके काले करतूतों का वीडियो दिखाइए। आई नो, आई नो। वी नो यू नो, बट ही शुड नो। दिखाइए। यस यस। सही वाला फोल्डर खोलना। ये देखो। ये वीडियो फुटेज अगर हमने पुलिस को दे दी ना, तो चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंतर्गत 14 साल के छोटे से बच्चे से काम करवाने के जुर्म में तुम्हें 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है, समझे? रघु, तुम इस कानून को अच्छी तरह से जानते हो कि घर के सदस्य को काम पर रखा जा सकता है, इसीलिए तुमने मुन्ना को अपना छोटा भाई बनाकर यहां पर काम पर रख लिया, ताकि तुम कानून के शिकंजे से बच सको, है ना? साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। साहब, आपसे और मुन्ना से मैं माफी मांगता हूँ साहब। साहब, मैं अपना गलती कबूल करता हूँ साहब। साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, आप पुलिस में कंप्लेन मत करो साहब। साहब प्लीज। वाह, दूसरों के बच्चे पर अन्याय करते वक्त खुद के बच्चे की याद भी है, हा? खाओ कसम अपने बच्चे की कि आइंदा किसी भी नाबालिग बच्चे से काम नहीं करवाओगे। सर, अपने बच्चे की कसम खाता हूँ साहब, मैं अब से ऐसा गुनाह कभी नहीं करूंगा साहब, प्लीज माफ कर दीजिए साहब। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इन सबके सामने अपना गुनाह कबूल करो और माफी मांगो। हाँ, मैं कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ, मुझसे गलती हो गई साहब। अन्ना, तुम स्कूल जाओगे। मार्फत जी, एनजीओ से बात कीजिएगा, मुन्ना को हम बोर्डिंग स्कूल पढ़ने भेजेंगे। आई नो, मैं सब अरेंज कर दूंगा। सर, हम सब लोग मिलके मुन्ना का खर्चा उठाएंगे और हम दोनों मिलके इसका खर्चा उठाएंगे, नहीं? मुन्ना, जैसे तुम हम सबको बढ़िया चाय पिला देते हो, वैसे तुम्हारा भविष्य भी बढ़िया होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.